देहरादून में चाय बागान की जमीन पर ही स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड सरकार अब 1200 एकड़ की जगह पर 350 एकड़ जमीन में ही स्मार्ट सिटी बसाएगी। और इससे पहले एमडीडीए के अधिकारियों ने रायवाला, विकासनगर और डोईवाला में भी जमीन की तलाश की, लेकिन कहीं भी एकमुश्त जमीन नहीं मिल सकी। जिसके बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चाय बागान की 350 एकड़ जमीन देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। हालांकि अधिकारी अभी इस बाबत खुलकर बोलने को राजी नहीं है। क्योंकि 15 दिसंबर तक भूमि पर मालिकाना हक चाहिए स्मार्ट सिटी के लिए, और उसके लिए यदि 350 एकड़ में काम चल जाए, 750 एकड़ की जगह या 2000 एकड़ की जगह उससे काम चलाया जाए, और यदि फिर भी स्मार्ट सिटी के लिए और अधिक जमीन चाहिए तो 2017 में जो आने वाली सरकार है उस पर यह निर्णय छोड़ा जाना चाहिए। और मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो जनता में तैरते हुए सवाल हैं, क्या पर्यावरण को लेकर हों, ग्रीनरी को लेकर हों, मजदूरों के रोजगार के लेकर हों, उन्होंने कहा कि मजदूरों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, उनके लिए आवास सुनिश्चित किए जाने चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ग्रीनरी वहां और बढ़ाई जा सकती है तो उसको और बढ़ाया जाना चाहिए। देहरादून में स्मार्ट सिटी के लिए चाय बागान की जमीन लेने के फैसले का विरोध फिर से शुरू हो गया है। चाय बागान बचाओ संघर्ष समिति के नेता रविंद्र जोगरान ने कोर्ट का रुख करने की चेतावनी दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि वो केंद्र सरकार का दरवाजा भी खटखटाएंगे। उधर सीपीएम नेता समर भंडार ने इसके विरोध में सीएम आवास के घेराव की चेतावनी दी है। देहरादून के अंदर जितनी रेजिडेंशियल सोसाइटियां हैं देहरादून के अंदर जो हैं, उनको साथ लेंगे और तमाम लोगों को साथ लेके इसमें आगे बढ़ेंगे और हमारा आंदोलन आगे चलेगा। और जो कानूनी प्रक्रिया है इसको न्यायालय में लेके जाना, वहां भी अगर जाने की बात होगी तो वहां तक भी लेके जाए। केंद्र स्पष्ट ये कह रहा है कि जो भी अगर नया स्मार्ट सिटी बसानी है तो उसमें हरियाली के साथ, पर्यावरण के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं उस पर ईमानदारी से खड़े रहते हैं कि चाय बागान के अतिरिक्त अन्यत्र स्मार्ट सिटी बनेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे, अन्यथा हमारा आंदोलन जारी है। 11 तारीख को हम सीएम आवास कूच कर रहे हैं। वह यूकेडी ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट ने चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका दल चाय बागान की अधिग्रहण का विरोध करेगा, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता सत्यनारायण सचान ने कहा है कि अधिकारियों ने जमीन खोजी ही नहीं तो देहरादून के आसपास बड़ी तादाद में खाली जमीन पड़ी है। सीएम लाचार हैं क्योंकि सीएम जानते हैं कि उनका इन अधिकारियों पर कोई लगाम नहीं है, इसी कारण जो है यहाँ के जो अफसरशाही है वो सीएम को भी गुमराह कर केवल चाय बागान पर केंद्रित कर उत्तराखंड को लूटने की योजना बना रहे हैं। चाय बागान पर एक भी पत्थर स्मार्ट सिटी के नाम पर लगेगा तो उत्तराखंड क्रांतिल सड़कों पर आंदोलन करेगा। हम स्मार्ट सिटी को देहरादून में चाय बागान के ऊपर कतई बनने नहीं देंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अल्टीमेटली यहाँ के जितने भी उच्च अधिकारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री शायद उनकी बातों में लगता है कि आ गए हैं। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के अधिकारी अगर सर्वेक्षण करें, डोईवाला साइट में इतनी ज़मीनें उपलब्ध हैं, विकास नगर साइट में, सहसपुर साइट में इतनी ज़मीनें उपलब्ध हैं, शिमला बाईपास रोड में इतनी जमीनें उपलब्ध हैं जहां पर न तो एग्रीकल्चर हो रहा है और बैरन लैंड है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता एमडी जोशी ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि जहां सरकार 1200 एकड़ जमीन की अधिग्रहण की सोच रही थी, अब महज 350 एकड़ भूमि ही ली जाएगी। स्मार्ट सिटी बनने के लिए 350 एकड़ के लगभग आसपास जमीन की आवश्यकता होगी, तो पुनः उसमें चाय बागान में जो 350 एकड़ ही जमीन ली जाएगी, इसमें सैद्धांतिक सहमति सरकार की बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी का साफ मानना है अगर हमको अन्यत्र जमीन मिलती है तो वहाँ भी बनाने में सरकार नहीं हिचकेगी, और किसी गरीब के पेट पर लात मारकर या गरीब के हक को दबाकर सरकार कोई भी निर्णय नहीं लेगी। मुख्यमंत्री जी ने कभी अधिकारियों के कहने पर कोई काम नहीं किया, मुख्यमंत्री जी का अपना विवेक है और बहुत अच्छा प्रशासन उन्होंने चलाया है। और इसी खबर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख कर लेते हैं देहरादून का, जहां से हमारे संवाददाता सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोनू, पहले सरकार ने ही फैसला दिया और उसके बाद सरकार ही फैसले से पलट गई, इस फैसले को आप किस तरीके से देखें?
देखिए दिव्या, पहले सरकार कुछ और कहती है और उसके बाद सरकार अपने फैसले से पलट जाती है। निश्चित तौर पर जो स्मार्ट सिटी के लिए भूमि चयन का मामला है, इस पर अब कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं और ऐसा हम नहीं, तमाम राजनेता जो हैं सरकार की मंशा को लेकर, अधिकारियों के गड़बड़ झाले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि सुबह सरकार के मुखिया कुछ और बात कहते हैं और शाम को अधिकारी उनको कुछ और आईना दिखा देते हैं और उसके बाद सरकार के जो मुखिया हैं वो उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं। निश्चित तौर पर भले ही अब सरकार ये बात कह रही हो कि जो स्मार्ट सिटी के लिए भूमि की आवश्यकता है उसका दायरा कम कर दिया गया है और वहाँ के जो लोग हैं उनके हकों की बात सरकार कर रही है, ग्रीनरी के ध्यान रखने की बात कह रही है, लेकिन अभी भी इस पूरे के पूरे प्रकरण में कई ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिनका उजागर होना बहुत ही जरूरी है। एक तरफ जो संघर्ष समिति से जुड़े लोग हैं वो न्यायालय की और केंद्र सरकार के संज्ञान में इस पूरे मामले को ले जाने का दावा कर रहे हैं, दूसरी ओर सरकार की तरफ से ये तर्क दिया जा रहा है कि पहले सरकार 1200 एकड़ भूमि इसमें प्रयोग करने वाली थी लेकिन अब सरकार ने अपने दायरे को कम कर दिया है और अब 350 एकड़ भूमि सरकार इसमें प्रयोग करेगी फर्स्ट फेज में और उसके बाद आगे जरूरत पड़ने पर सरकार निर्णय लेगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो ग्रीनरी को बचाने का सरकार का दावा था वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा जो हकूकों वाली बात थी, जो चाय बगान में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनके हकूकों का सरकार पूरी तरह से किस तरह से ध्यान रखेगी, ये एक सवाल खड़ा हो रहा है। और इसके साथ साथ जो ग्रीनरी डेवलपमेंट की बात थी, जो वन्य जीव इस पूरे के पूरे पैरामाइस में रहते हैं, आखिर उनके संरक्षण की सरकार किस तरह से व्यवस्था करेगी, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। अधिकारी भले इस पर खुलकर के कुछ बोलने को तैयार नहीं है लेकिन सरकार जरूर अधिकारियों का फेस सेविंग करने में नजर आ रही है। तो यही वजह है कि सरकार के जो औरे के लोग हैं वो इस बात को बयां कर रहे हैं कि 15 दिसंबर तक उनको मालिकाना हक दिखाना है, उसके बाद आगे काम शुरू हो सकेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनू सिंह इस जानकारी के लिए।